हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रेजेंटेशन टॉपिक के कुछ फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले फैक्टर से कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी प्रेजेंटेशन पर इफेक्ट डालते हैं और अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है, जो फैक्टर है, वो है प्रस्तुतिकरण की प्रकृति। प्रस्तुतिकरण की प्रकृति, अब क्या होता है देखते हैं। नेचर ऑफ प्रेजेंटेशन, द नेचर ऑफ द मैसेज एंड इट्स प्रेजेंटेशन आर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। इफ ड्यूरिंग एंड प्रेजेंटेशन द व्यू पॉइंट ऑफ बोथ द साइड इज प्रेजेंटेड, इट्स समटाइम इंक्रीज द इफेक्टिवनेस। तो चलिए सबसे पहला की पॉइंट हमको मिल गया है, इफ ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन द व्यू पॉइंट ऑफ बोथ द साइड is the if the is एक सेकेंड is presented it sometime increases in effectiveness. क्लियर है? यानी संदेश की प्रकृति एवं इसका प्रस्तुतिकरण इसके प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो यदि दोनों पक्षों का दृष्टिकोण सामने रखा जाए तो कुछ दशाओं में प्रभावशीलता बढ़ जाती है। अगर दोनों का व्यू पॉइंट बोथ साइड अगर प्रेजेंट कर दिया जाए तो प्रेजेंटेशन क्या होगी, प्रभावशाली होगी। क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट है द ऑडियंस। अब ये क्या कहता है, द ऑडियंस यानी श्रोतागण, ठीक है? ये कहता है, इट हैज बीन फाउंडेड दैट द फैक्टर ऑफ सेल्फ स्टीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टर्निंग द ऑडियंस टुवर्ड वन व्यू पॉइंट। यानी यह पाया गया है कि सेल्फ स्टीम यानी आत्म प्रतिष्ठा का एक तत्व श्रोताओं के दृष्टिकोण की ओर मुड़ने का महत्वपूर्ण होता है। श्रोताओं की व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रस्तुतिकरण की बड़ी सीमा तक प्रभावित करती है। क्या इफेक्ट करता है? द पर्सनल डिफरेंसेज इन द ऑडियंस इफेक्ट क्या करता है, द पर्सनल डिफरेंसेस इन द ऑडियंस। जो पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं ऑडियंस में वो प्रभावित करती है। फिर है कि श्रोताओं के हाव भाव और उनकी ध्वनियां और प्रस्तुतकर्ता से उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों से सहजता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि श्रोताओं पर प्रस्तुतिकरण का कैसा प्रभाव पड़ा है। जब एक ऑडियंस प्रेजेंटेशन को देख रही है, सुन रही है, तो उसमें मैनरिज्म और उसकी साउंड और उसको आंसर टू गिव दिस क्वेश्चन आस्क बाय प्रेजेंटर, वो सारे इफेक्ट क्या करती है, प्रेजेंटेशन को बताती है, इफेक्ट करती है, ठीक है? कौन कौन से हैं, मैनरिज्म, एक सेकेंड, मैनरिज्म, फिर है इट्स गो अ लॉन्ग वे एंड इफेक्टिव द प्रेजेंटेशन
फिर है मैनरिज्म प्रेजेंट करता इफेक्ट करता है, और आंसर क्वेश्चन जो पूछते हैं वो इफेक्ट करता है। किससे पूछे जाते हैं आंसर क्वेश्चन? आंसर क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे स्पीकर से। क्लियर है यहां तक? ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। फिर थर्ड है हमारा कंपाइलेंस। थर्ड पॉइंट है हमारा कंपाइलेंस, यानी जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अनुगमिता। अनुगमिता क्लियर है? चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या कहता है ये? कंपाइलेंस इज अ मोर व्हेन द ऑडियंस इज अट्रैक्ट टू द प्रेजेंटर। यानी अनुगमिता उस समय अधिक होती है जब श्रोता प्रस्तुतकर्ता की ओर आकर्षित होता है। यदि लिसनर प्रेजेंटर को पसंद नहीं करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इफ द ऑडियंस is attracted to the presenter, if the audience, agar audience hamare presenter se attracted to the presenter, then presentation is more successful। क्लियर है? और अगर नहीं होती है ऑडियंस अट्रैक्ट तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। देन इसके बाद यहां कहा गया है कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक कोई ऑफिसर किसी ऐसे व्यक्ति से उपहार ग्रहण करता है जिसे वह पसंद करता है, तो अधिकारी के अंदर उसकी अनुगमिता करने की बहुत बड़ी हुई प्रवृत्ति होती है। वह ईमानदार होते हुए भी पक्षपात कर जाता है। एक अन्य उपयोगी प्रविधि अनुगमिता प्राप्त करने को यह भी है कि पहले एक छोटी सी साधारण प्रार्थना की जाए और बाद में यदि कोई बड़ी प्रार्थना की जाए तो अनुगमिता प्राप्त करने में संभावना बढ़ जाएगी। क्लियर है? फुट इन द डोर टेक्निक, या फिर आप कह सकते हो कि दरवाजे में पांव रखना एक इस प्रेजेंटेशन का फैक्टर को इस अफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ हमारे की। फोर्थ क्या है? फोर्थ फैक्टर है ओबीडेंस। क्या होता है ओबीडेंस? यानी आज्ञा पालन। क्या होता है, कैसे, उस पर बात करते हैं। चलिए, ओबीडेंस कहता है कि इन आर सोसाइटी ओबीडेंस हैज अ स्पेशल इंपॉर्टेंस। हमारे समाज में आज्ञा पालन एक विशेष महत्व है। आज्ञा पालन उसी व्यक्ति की जाती है जो दूसरों के ऊपर अपनी शक्ति दिखा सकता है। ओबीडेंस इज अ शो टू दैट पर्सन हु कैन wield power over others. If you are not obedient, you are punished. अगर आप आज्ञा पालन नहीं करते हो तो आपको सजा मिलेगी। यानी if you are not obedient, एक सेकेंड, obedient, you are punished. ठीक है? देन उसके बाद प्रस्तुतिकरण के समय यदि श्रोता कनिष्ठ पदाधिकारी है तो वे संदेश को आज्ञा समझकर ग्रहण कर लेंगे। यदि वो वरिष्ठ अधिकारी है तो उन्हें प्रभावित करने के लिए प्रेजेंटर को बहुत अच्छे ढंग से पेश करना होगा।
देखो अगर हमारा प्रेजेंटर क्या होगा, हायर पोस्ट पर है, तब तो लिसनर क्या करेंगे, उसकी बात को सुन लेंगे, ठीक है। अगर हमारा सुन लेंगे अच्छे ढंग से, अगर हमारा प्रेजेंटर क्या है, लोअर पोस्ट पर है, ठीक है, तो लिसनर क्या करेंगे, उसकी बात को सुन भी सकते और नहीं भी सुन सकते। और अगर हमको उनको सुनवाना है तो हमको इफेक्टिव तरीके से बात करनी होगी, इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करना होगा। क्लियर है यहाँ पर ओबिडेंस। अब हम आगे बात करते हैं, आगे है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन ये क्या कहता है, देखिए फेशियल एक्सप्रेशन कहता है कि मैनी ऑफ द लिसनर गिव दोज विच आर नॉट एक्सपीरियंस एंड हाइड दोज विच आर देयर। यानी कि उनके मुखों फेशियल एक्सप्रेशन और डिसाइट धोखा, ठीक है, यानी कि ऐसे अनेक श्रोता है उन संवेगों को प्रदर्शित करते हैं जो अनुभव नहीं कर रहे या फिर उनको छुपा लेते हैं जो अनुभव करते हैं। यह मुख का कपट या धोखा कहा जा सकता है। जैसे नेता राजनीति में, चिकित्सक रोगी के समक्ष, अभिनेता अभिनय के समय प्राय ऐसा करते हैं। आपको पता है पॉलिटिशियन जैसा बोलते हैं, जैसे वादे करते हैं, क्या वैसा होता है पॉलिटिकल में? नहीं होता है, ठीक है। जैसा उनका फेशियल एक्सप्रेशन है वैसा वो प्रेजेंट, वैसा वो काम नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि फेशियल एक्सप्रेशन पर प्रेजेंटेशन में अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो और आपको प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगी है, उसके बावजूद भी आप क्या करते हो, फेशियल एक्सप्रेशन से आप ये जताते हो कि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी या उसने प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा था, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन थी। पर एक्चुअल होती क्या है, सिर्फ उसके फेशियल एक्सप्रेशन का धोखा होता है। फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा शो करते हैं कि उनको अच्छा लगा है, पर एक्चुअल में वो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है। क्लियर है यहाँ पर ये फोर्थ पॉइंट। तो ये फैक्टर भी हमको इफेक्ट करता है कि एक प्रेजेंटर को ये ध्यान रखना है कि किस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन फेक हो सकता है और किस तरह का नहीं। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा पर्सनैलिटी ऑफ द प्रेजेंटर। पर्सनैलिटी ऑफ द प्रेजेंटर, प्रेजेंटर की जो प्रेजेंट करता है उसकी पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी भी आपको इफेक्ट करती है, इफेक्ट करती है क्या। नेक्स्ट है ये हमारा पर्सनैलिटी ऑफ द प्रेजेंटर, यानी व्यक्तित्व किसका, प्रस्तुतकर्ता का। प्रस्तुतकर्ता का व्यक्तित्व उसके प्रस्तुतिकरण पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। एक प्रेजेंटर की पर्सनैलिटी कैसी है, प्रेजेंटेशन को इफेक्ट करता है, ठीक है। यदि लिसनर उसके पर्सनैलिटी से इफेक्टेड है तो वो हमेशा फीडबैक कैसे देंगे, अगर लिसनर उसकी पर्सनैलिटी से इफेक्टेड है तो फीडबैक कैसा मिलेगा हमको, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हमारे प्रेजेंटर की पर्सनालिटी से लिसनर इफेक्टेड नहीं है या फिर उनको उनका पर्सनालिटी पसंद नहीं आता है, उनके व्यक्तित्व से वो प्रभावित नहीं है, तो वो नेगेटिव भी दे सकते हैं फीडबैक। क्लियर है। तो ये पार्ट भी आपका, ये फैक्टर भी आपको इफेक्ट करता है। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा वॉइस। प्रेजेंटेशन में वॉइस इंपॉर्टेंट है क्या, आवाज, शोर, ठीक है, वॉइस कैसे इंपॉर्टेंट है, बिना आवाज के प्रेजेंटेशन हो सकती है क्या, नहीं। आप स्लाइड कितनी भी चला लो पर आपको समझाना तो पड़ेगा। प्रस्तुतकर्ता का प्रभाव प्रस्तुतिकरण पर होता है, प्रेजेंटर का इफेक्ट प्रेजेंटेशन पर होता है। जो क्लास होता है क्लास के फॉर्मेट के अनुसार आवाज में तेजी और टोन में उतार चढ़ाव और पीचेस में क्या होता है, हाईली फ्लक्चुएशन, चेंजेस आता है, और इसकी स्पीड को भी कंट्रोल रखना है,
शब्द कितने बोलने हैं, कैसे बोलने हैं, वो भी आपको देखना है। यानी सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है आपको, टोन वॉइस का, फिर आपको ध्यान में रखना है स्ट्रेस ऑन सम स्पेसिफिक वर्ड्स डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन रूम। हमको वर्ड्स कैसे, हमको गति कैसे रखनी है, रूम के हिसाब से आपको क्या करनी है, आपको अपना वर्ड्स लेने हैं। स्पीड किस तरह से आप बोलोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्रेजेंटेशन को इफेक्ट करती है, और ये सारी चीज़ें आपके वॉइस में आती है। तो इस तरह से आपका वॉइस भी आपकी प्रेजेंटेशन को इफेक्ट करता है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर्स, यानी कि इफ देयर आर टू मैनी लैंग्वेज रिलेटेड टू बैरियर द प्रेजेंटेशन में बिकम इनअफेक्टिव एंड इफ द सिमेंटिक बैरियर आर लेस द प्रेजेंटेशन विल बी दैट मच मोर इफेक्टिव। यानी भाषा अवरोध, भाषा संबंधित अगर अवरोध ज्यादा है तो अनइफेक्टिव हो जाएगी। बैरियर्स है ज्यादा तो क्या होगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी हमारी प्रेजेंटेशन। कौन से बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स। और अगर बैरियर्स हमारे कम है, लो है, तो हमारी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव मानी जा सकती है। तो इस तरह से हमारे बैरियर्स भी हमारी प्रेजेंटेशन को इफेक्ट करते हैं। फिर है हमारा प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन कैसे इफेक्ट करता है उस पर बात करते हैं। प्रोनंसिएशन ठीक है, प्रोनंसिएशन, करेक्ट प्रोनंसिएशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ मेकिंग द प्रेजेंटेशन इफेक्टिव एंड वाइस वर्सा। करेक्ट प्रोनंसिएशन pronunciation plays an important role in making the presentation इफेक्टिव। क्लियर है, यानी कि शब्द उच्चारण के प्रस्तुतिकरण के समय शब्दों के उच्चारण की शुद्धता प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाती है। क्लियर है, तो यानी अगर आपका प्रोनंसिएशन सही नहीं होगा तो आपके प्रेजेंटेशन का जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा लिसनर पर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट फैक्टर की, वो है हमारा पोश्चर्स। पोश्चर्स का मतलब होता है आसन, ठीक है। क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, द प्रेजेंटर पोश्चर्स लाइक स्टैंडिंग सिटिंग और बाइंडिंग ऑल्सो अफेक्टेड द प्रेजेंटेशन। यानी प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटर प्रस्तुतिकर्ता के खड़े होने, बैठने और झुकने का ढंग भी प्रस्तुतिकरण पर गहरा प्रभाव डालता है। यानी कौन कौन से पोश्चर्स डालता है, स्टैंडिंग सिटिंग एंड ब्लाइंडिंग। क्लियर है, ऑल्सो अफेक्टेड, ठीक है। देन उसके बाद स्टेइंग इन द सेम पोजिशन और चेंजिंग द पोजिशन टू फ्रिक्वेंटली एज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रेजेंटेशन। यानी कि एक ही आसन में स्थित रहने पर या बहुत जल्दी जल्दी अपनी स्थितियां बदलने पर प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन प्रभावहीन हो जाता है। चलिए, सेकेंड कौन सा था,
स्टेइंग इन सेम पोजिशन, सेम पोजिशन एंड चेंजिंग द पोजिशन, चेंजिंग पोजिशन टू फ्रीक्वेंटली, टू फ्रीक्वेंटली हैज नेगेटिव इफेक्ट, हैज नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंटेशन पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। तो ये है हमारे पोश्चर्स के, पोश्चर्स किस तरह से इफेक्ट करता है, आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा गेस्चर्स, नेक्स्ट है हमारा गेस्चर्स यानी अंग मुद्रा, हिंदी में बोलते हैं अंग मुद्रा, ठीक है। ये क्या कहता है कि द प्रेजेंटर गेस्चर्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कैन मेक द प्रेजेंटेशन आइदर इफेक्टिव और इनइफेक्टिव, यानी कि प्रस्तुतिकरण के समय प्रस्तुतकर्ता की विभिन्न अंग मुद्राएं प्रस्तुतिकरण को प्रभावहीन और प्रभावी बना सकती है। आवाज में परिवर्तन, कौन कौन से गेस्चर्स हमारे प्रेजेंटेशन को इफेक्ट करते हैं, सबसे पहला चेंजेस इन गेस्चर्स अलोंग विथ चेंजेस वॉइस एंड वॉइस हैव द आइडियल इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ऑडियंस। क्लियर है यहां पर। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे, नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव बैरियर्स, ज्ञानात्मक अवबोध, यानी द मोर द ऑडियंस इज एंड द प्रेजेंटर फीलिंग ओपिनियंस एक्सपीरियंस एंड व्यू पॉइंट एंड बिहेवियर आर इन अ फेवर ऑफ ईच अदर द मोर इफेक्टिव द प्रेजेंटेशन बिकम, इफ द सिचुएशन रिवर्स द प्रेजेंटेशन बिकम इनइफेक्टिव, यानी कि प्रस्तुतकर्ता और श्रोताओं की भावनाएं, पूर्वाग्रह, अनुभव, अहम दृष्टिकोण, व्यवहार जितने एक दूसरे के प्रति अनुकूल होते हैं उतना ही जो आपका प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्या क्या आपके फेवर में होने चाहिए, दोनों के फीलिंग्स, प्रेजेंटर और आपके लिसनर की फीलिंग्स एक जैसी होनी चाहिए, ओपिनियन एक जैसा होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो होते हैं वो एक जैसे होने चाहिए, व्यू पॉइंट, ये सारे अगर पॉइंट्स एक जैसे होते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, क्या होगी आपकी प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव। क्लियर है यहां तक। ये था हमारा कॉग्निटिव बैरियर्स। तो ये भी हमको, अगर ये इसका रिवर्स हम देखते हैं कि दोनों के अलग अलग फीलिंग्स है, दोनों की अलग अलग ओपिनियन, एक्सप्रेशन, व्यू पॉइंट सब कुछ अलग है, तो हमारे लिए हमारी प्रेजेंटेशन क्या होगी, इनइफेक्टिव। क्लियर है यहां तक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा लिसनिंग। लिसनिंग कैसे इफेक्ट करता है उस पर बात करते हैं, ठीक है। लिसनिंग इफेक्ट करता है कि इफ द लिसनिंग प्रोसेस इज इफेक्टिव द प्रेजेंटेशन विल बी इफेक्टिव। अगर आपकी लिसनिंग की प्रोसेस, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े हैं लिसनिंग प्रोसेस, अगर वो आपकी इफेक्टिव है तो आप क्या कर सकते हो, आपकी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। अगर आपकी लिसनिंग प्रोसेस इफेक्टिव नहीं है तो आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, इनइफेक्टिव। क्लियर है यहां पर। तो लिसनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, अगर एक लिसनर सही से नहीं सुनेगा, उसकी प्रोसेस सही नहीं है तो हमारी जो प्रेजेंटेशन का जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, आगे है मैकेनिकल डिवाइस, फिर नेक्स्ट फैक्टर है हमारा
मैकेनिकल डिवाइस। अब ये क्या कहता है, मैकेनिकल डिवाइस यानी कि यांत्रिक उपकरण, हिंदी में इसको यांत्रिक, मैं वही शब्द लिख रही हूँ हिंदी में भी जो आपको समझ नहीं आएगा, बाकी तो जैसे ये लिसनिंग वगैरह है तो ये आपको समझ आ गए होंगे, इंग्लिश टर्म भी। अगर आपको हिंदी में शब्द टर्म्स चाहिए शब्दों के तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यांत्रिक उपकरण यानी प्रस्तुतिकरण में काम आने वाले उपकरण यदि ठीक उसी प्रकार से काम कर रहे हैं प्रस्तुतिकरण प्रभावी होगा। यदि इन उपकरणों में कोई खराबी आ जाती है तो प्रस्तुतिकरण क्या होगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। जैसे प्रेजेंटेशन हम किससे देते हैं, एग्जाम्पल जैसे किस किस से देते हैं प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन हम देते हैं या तो कंप्यूटर से देते हैं, या हम दे सकते हैं माइक हो सकता है हमारा, या हमारा कह सकते हैं हम बल्ब, सॉरी फिर है ट्यूबलाइट, ठीक है प्रोजेक्टर, इन सब से हम क्या देते हैं प्रेजेंटेशन देते हैं। तो अगर ये सब अपनी जो सिचुएशन है उसमें सही ढंग से, इनकी कंडीशन सही है, सिचुएशन और कंडीशन सही है, वर्किंग सिचुएशन और वर्किंग कंडीशन, ठीक है आगे लिख देती हूँ वरना कौन सी सिचुएशन है और कौन सी कंडीशन है, वर्किंग सिचुएशन और कंडीशन अगर सही है तो हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, इफेक्टिव। और अगर इसके रिवर्स ऑपोजिट देखा जाए और अगर ये सही से काम नहीं कर रहे हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन क्या होगी, इनइफेक्टिव। क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं मूवमेंट्स, मूवमेंट्स ठीक है। अब मूवमेंट क्या है उस पर बात करते हैं कि चहलकदमी, यदि प्रस्तुतिकर्ता बहुत अधिक इधर उधर घूमता है और प्रस्तुतिकरण का प्रभाव नहीं होगा, वो अपनी चाल को कंट्रोल में रखे, ठीक है कि इफ द प्रेजेंटर मूव हियर एंड देयर टू मच विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट। अगर वो ज्यादा घूम रहा है प्रेजेंटेशन देते वक्त, हेयर एंड देयर बहुत ज्यादा घूम रहा है तो हमारी प्रेजेंटेशन का इफेक्ट कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। यूजुअली मूवमेंट इज डन सो अट्रैक्ट द अटेंशन टू कंट्रोल एंजाइटी एंड टू थिंक अप द पॉइंट ऑफ द प्रेजेंटेशन। हमारी चाल किसको प्रेजेंट करती है, हमारे तरफ अट्रैक्शन, अगर हम कम चलते हैं हमारा तरफ उन लिसनर का अटेंशन और अट्रैक्शन बढ़ता है, ठीक है। फिर है कंट्रोल होती है टू कंट्रोल एंजाइटी, क्लियर है। और अब हमारा लास्ट जो है वो ये है कि स्टेज डिस्कशन, ठीक है यानी नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। लास्ट फैक्टर है हमारा स्टेज डिस्कशन, ठीक है। ये क्या कहता है कि देयर इज अ टू मच डिबेट बिटवीन प्रेजेंटर, डिबेट किसके बीच में होती है, प्रेजेंटर। अगर प्रेजेंटेशन में डिबेट हो रही है और वो भी बहुत ज़्यादा, तो किसके बीच में होती है डिबेट, प्रेजेंटर और लिसनर के बीच में, तो वो हमारी प्रेजेंटेशन पर नेगेटिव इफेक्ट और अच्छा इफेक्ट नहीं डालती है। तो इस तरह से जो हमारी डिबेट है, जो स्टेज डिस्कशन है, वो भी हमारी प्रेजेंटेशन पर इफेक्ट डालती है, इसलिए वो फैक्टर भी हमारी प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करता है। तो ये यहाँ पर हमने सारे जो फैक्टर्स थे वो देख लिए, डिस्कस कर लिए हैं। देखिए ये देखिए ये सारे हमने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं और ये हमारा फैक्टर्स का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे इंटरेस्टिंग सा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।